Hey guys, welcome back to my channel Priyanka Banerjee and this is Priyanka. Today's video is a cauliflower rasala or a gobi rasala or we can tell gobi roast. So before started the recipe, do subscribe my channel and never forget to press the bell icon there. If you like my video, then give me a thumbs up, comment, share and let's get started. कॉलीफ्लावर रोस्ट या फिर कॉलीफ्लावर देके जो रिजाला बनता है वो बनाने के लिए मतलब गोभी वो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कॉलीफ्लावर लिया है, एक पूरा लिया है. इसको मैंने बॉईल कर लिया है अच्छे से. यहाँ पे टोमेटो पेस्ट कार्ड, यहाँ पे मैंने पोस्तो जो बोलते हैं पॉपी सीड्स या फिर खसखस जिसको बोलते हैं, और जो कैशियो नट्स होते हैं काजू उसको मैंने पेस्ट कर लिया है. फिर मैंने यहाँ पे किशमिश लिया है, सोया सॉस लिया है मैंने. फिर मैं यहाँ पे मिल्क ले रही हूँ. फिर यहाँ पे ये है जिंजर गार्लिक एंड ऑनियन का पेस्ट. मैंने यहाँ पे दो बड़े ऑनियन को पेस्ट किया है. सूखे मसालों पे मैंने लिया है कसौरी मेथी, इलायची एंड लौंग, और यहाँ पे मैंने दो ग्रीन चिलीज रखा है. फिर मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर अर्थात क्यूमिन पाउडर एंड रेड चिली पाउडर. फिर मैंने यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर रखा है, और यहाँ पे मैंने गरम मसाला और सॉल्ट टू टेस्ट. तो फर्स्ट हम ये कॉलीफ्लावर को अच्छे से मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक और ऑनियन का पेस्ट दे, प्यूरी जो मैंने रखा था वो भी मैंने दे दिया. फिर यहाँ पे मैं खसखस और पॉपी सीड्स और काजू को जो मैंने पेस्ट कर लिया है वो भी मैंने डाल दिया है. और यहाँ पे मैंने ये होममेड कार्ड है, आप लोग नॉर्मल कार्ड भी यूज़ कर सकते हो. तो अभी मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ, पूरा ही मैंने ऐड कर दिया है. के मसाले थे वो ऐड करना है हमें, सॉल्ट टू टेस्ट और गरम मसाला भी मैंने ऐड, टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सोया सॉस डाल दिया है. तो अभी हम इसको अच्छे से मैरिनेट करके कम से कम 15 टू 20 मिनट्स के लिए रखेंगे. सो आफ्टर 15 मिनट्स देखिए मेरा जो मैरिनेट है ये अच्छे से रेडी है. तो अभी हम इसको बनाएंगे. नॉन स्टिक पैन पे मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाला है, क्योंकि ये जो मतलब रेसिपी है वो मस्टर्ड ऑयल से भी सही ज़्यादा अच्छा लगता है. तो पहले हम जो सूखे मसाले थे कसौरी मेथी, इलायची एंड लौंग उसको हम डाल देंगे. थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, गर्म हो गया है. जैसा कि मैं बताती हूँ कि गैस का हीट हमेशा लो पे रखिए. तो अभी हम एक एक करके जो सारे कॉलीफ्लावर्स है वो डाल देंगे. आप लोग चाहो तो एक साथ में पूरा ही डाल सकते हो, क्योंकि ये जो कॉलीफ्लावर है इसको आपको फ्राई नहीं करना है. तो मैं धीरे धीरे सारे ऐड कर रही हूँ. देखिए मैंने यहाँ पे सारे ही ऐड कर दिया है, सारे के सारे जो कॉलीफ्लावर मैंने मैरिनेट करके रख दिया था वो मैं ऐड कर दिया है मैंने. और इसके साथ जो मसाला था, जो ग्रेवी बनाने की जो मसाला थे मतलब उसके साथ जो मैंने मैरिनेट कर लिया था इस टाइप का जो ग्रेवी था वो भी मैंने डाल दिया है. तो इसमें आई विश आप लोगों को पानी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें मिल्क भी है और कर्ड भी है. कर्ड में से भी बहुत सारा पानी निकलता है. तो अभी हम इसको थोड़ा सा दम में बनाएंगे. ये जो पूरा रेसिपी है पूरा ही दम में ही बनेगा. तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे. सो कवर करने से पहले मैंने यहाँ पे जो किशमिश रखा था वो भी मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने जो मिर्चा था वो भी मैं डाल दूंगी. इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे. लगभग 15 मिनट्स के लिए ही आपको कवर करना है. तो आफ्टर 15 मिनट्स मैं इसको हटाती हूँ कवर. देखिए बहुत सारा पानी निकल के आ गया है. जैसा मैंने पहले भी बोला था दही में से बहुत सारा पानी निकलेगा, तो वो ही निकला है. तो अभी इसको हम थोड़ा सा और मिक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए, और बस रखना है. उसके बाद हमारा जो रोस्ट है या रिजाला है जो भी है वो रेडी रहेगा आई विश. तो लगभग 15 मिनट के लिए मैं इसको अभी फिर से कवर कर दूँगी. तो 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ अल्टीमेट कंडीशन. सो इसमें मैं थोड़ा सा ही चीनी ऐड कर रही हूँ, शुगर, क्योंकि ये थोड़ा मीठा मीठा अच्छा लगता है. तो अभी हम इसको फिर से 15 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे. सो आफ्टर 15 मिनट्स आप देख सकते हो हमारा जो ये रिजाला है ये अच्छे से रेडी है. और रोस्ट कॉलीफ्लावर का जो रोस्ट है ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में. सो डू ट्राई इट. और मैं अभी इसको आपको
सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कॉलीफ्लावर रोस्ट और कॉलीफ्लावर रिजाला मैंने अच्छे से सर्व करके रख दिया है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन गिव मी अ थम्स अप एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।